जो ये कथन और निष्कर्ष है ना, इसकी मैंने चैनल पे वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो पहले तो वो कॉन्सेप्ट सीखो वहाँ से, वो आधे घंटे की वीडियो है, तो वहाँ से एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो कि कैसे क्या करना है, और फिर मैं ये क्वेश्चन अब करा रहा हूँ, तो ये वीडियो उसके बाद देखनी है, ठीक है। पहले भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, पर जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एक एक चीज़ ध्यान से सुनना है। मैंने पहले भी चार पांच क्वेश्चन करवाए हैं, उससे पहले भी चार पांच क्वेश्चन करवाए हैं, और फिर एक बार तेरी कॉपी में जो फेयर कॉपी है ना रीजनिंग की, जो जो मैंने पढ़ाए थे एक बार, तो उसमें भी सिलोलिज्म मैंने कराया हुआ है, तो उसमें भी कुछ वो है, पर मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, फिर दोबारा करा रहा हूँ, इनको तुम ध्यान से सुनो, हर हर चीज़ को ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं कि इसमें अलग से कोई थ्योरी चलेगी या फिर अलग से कोई चीज़ को अलग से कोई समझाएगा, इसमें क्वेश्चनों से ही चीज़ें समझाए। रीजनिंग में क्या होता है, क्वेश्चन देगा फिर क्वेश्चन से ही चीज़ समझ में आती है कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अलग से कॉन्सेप्ट समझाएगा। तो यूँ मानो कि अब ये मैं ये एक तो वो थ्योरी हो जाएगी भाई, थ्योरी उस वीडियो में हो जाएगी, अभी क्वेश्चनों से जो दो चार रूल्स हैं जो कुछ हैं तो उनको समझना और उनको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब पहले भी करा चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं। अब क्या हो रहा है कि देखो, अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, है ना। वेन डायग्राम बन गया तो उसके बाद गलत होएगा ही नहीं क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा। अब सुनो क्या बोल रहा है ये, देख इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ मुर्गी बोतल नहीं है। अब इसका वेन डायग्राम बनाना है अपन को, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, तो कोई 1 मिनट सुनो, अब इसमें क्या बोल रहा है, कुछ मुर्गी बोतल नहीं है। पहले सबसे पहले मुर्गी और बोत पहले यूं देखो कौन से दो वर्ड्स आए हैं ना, सबसे पहले और ध्यान से सुनना है, सबसे पहले ये मुर्गी बना लिया है ना, ये मुर्गी बना ली, ठीक है। अब कह रहा है कि मुर्गी बोतल नहीं है, तो ठीक है मुर्गी बोतल नहीं है, ये तुमने क्या बना लिया, ये बोतल बना ली, ठीक है। अब ये हो गया, दोनों अलग अलग बना ली, फिर क्या बोल रहा है, सभी घर मुर्गी हैं। अब तीसरा कह रहा सभी घर मुर्गी हैं, अब ये मुर्गी होगी है ना, ये मुर्गी होगी ना। अब ये एम से डिनोट कर देता हूँ, ये मुर्गी होगी, ये बोतल होगी बी से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सभी घर मुर्गी हैं, सभी घर जिसके आगे सभी आ गया ना वो छोटा बनेगा, क्या बनेगा, वो छोटा बनेगा। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सभी घर मुर्गी है, सभी घर मतलब ये देखो ये मुर्गी होगी, तो इसमें जो है ना ये है ना, ये तो बीच में ये ब्लैक ब्लैक है ना, वो घर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये पढ़िए नीचे क्या बोल रहा है, ठीक है ये नीचे पढ़ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा कुछ बोतल घर है, क्या बोल रहा, कुछ बोतल घर है, अब बोतल ये रहा, कुछ बोतल घर है, अब ये हो सकता है क्या, कुछ बोतल है ना घर है, ये तो बोतल हो गया, अब ये घर ये है, अब ये बन सकता है क्या, इसमें आ सकता है क्या, इसमें अगर ये इसमें आएगा तो मुर्गी भी तो आएंगी ना। अब यहाँ पे बोल दिया इसमें कुछ मुर्गी बोतल नहीं है, कुछ मुर्गी बोतल नहीं है, अब इसका देख कैसे बन सकता है, इसका एक डायग्राम और बन सकता है, डायग्राम बनाना, ये देख फर्स्ट वाला बन सकता है, एक पे ये बनेगा, दूसरे पे क्या बनेगा, देख दूसरे पे क्या बनेगा, देख दूसरे पे मैं बता देता हूँ, ये तेरा बोतल हो गया, ठीक है ये बोतल हो गया, जैसे ये बोतल हो गया, ठीक है ये बोतल हो गया, फिर क्या कह रहा है, सभी घर,
ये मुर्गी बना लेता हूँ मैं, ये मैंने मुर्गी बना ली, यहाँ से बना लेता हूँ, ये मैंने मुर्गी बना ली, ये मुर्गी एम से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, एम से डिनोट कर देता हूँ। फिर क्या कह रहा है, सभी घर मुर्गी है। अब फिर ये क्या कह रहा है, सभी घर मुर्गी है। अब ये जो घर है ना, चलो ठीक है, घर को मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, तो ये घर है ना, सभी घर मुर्गी, अब सभी घर मुर्गी है, तो ये इसमें ही आएगा अंदर पूरा, भाई ये पूरा आएगा ना इसमें आएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये जो बोतल है ना, अगर बोतल इसमें आ जाती है, मान के चलो ये बोतल है ना, ये यू करके आ जाती, यू करके आ जाती तो मुर्गी में आ जाती। अब यहाँ अब क्या कह रहा है, अब देख ये क्या बन गया, ठीक है। अब भाई अब ये बन गया ना, अब ये कह रहा, अब देख इसमें ये भी हो गया, तो कुछ मुर्गी बोतल नहीं है, तो अब मुर्गी कुछ मुर्गी बोतल थोड़ी ना, ये बोतल हो गया ना, ये बोतल है। अब ये घर है, ये मुर्गी, अब कुछ मुर्गी, अब इसमें मुर्गी भी आ गई, अब इसमें कुछ ये कुछ बोतल घर है, अब कुछ बोतल है, ठीक है। अब कुछ बोतल कहाँ है, ये बोतल हो गई, ठीक है, कुछ बोतल घर है। अब ये यहाँ तो ये गलत हो गया, ठीक है, पहले पहले उसमें दूसरे डायग्राम में देख, दूसरे डायग्राम में क्या लिखा हुआ है कि अगर कुछ बोतल घर है, कुछ बोतल ये हो गया बोतल और ये घर है, कुछ बोतल घर है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर जब तक दोनों में नहीं आएगा तब तक हम उसको सही नहीं मान सकते, तो ये क्वेश्चन गलत, ये गलत हो गया। जब तक दोनों में नहीं आएगा, इसमें भी आना चाहिए है ना, और ये सेकंड वाले डायग्राम में भी आना चाहिए। अब सेकंड वाले डायग्राम में तो आ रहा, फर्स्ट वाले डायग्राम में नहीं आ रहा। अब ये क्या कह रहा, दूसरे दूसरे उसमें निष्कर्ष में क्या कह रहा, सभी घर बोतल नहीं है, यह एक संभावना है, सभी घर, ये जो घर है ना, ये बोतल नहीं है, ये पूरा बोतल नहीं है, ये एक संभावना है, ठीक है, हो सकती है ना ये भाई। अब ये एक डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, जैसे ये तेरा क्या हो गया, ये तेरा मुर्गी होगी है, ये तेरा घर हो गया। अब जो ये है ना बोतल, बोतल ऐसे भी तो आ सकती है, ये बोतल आ सकती है ना पूरी पूरी, देख तीसरा भी बन गया। अब उसके अनुसार चल ले, ये घर हो गया तेरा, ठीक है, ये जी से डोनेट कर देता, ये घर हो गया, ठीक है, ये तीसरा डायग्राम बन गया। अब क्या कह रहा है, सभी घर बोतल नहीं है, यह एक संभावना, सभी घर है ना बोतल नहीं है, ये एक संभावना, दूसरे में है ये, हाँ तो दो में संभावना जहाँ है, संभावना मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि भाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका ये इसका केवल ये आ जाएगा सेकंड, देखो सेकंड आंसर है इसका। ये तीन डायग्राम बन गए ना, समझ में आया नहीं आया, यही कॉन्सेप्ट चलेगा सारे क्वेश्चनों में। मैं पहले क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि समझ में आए, देख सुन दोबारा भाई, पहले क्या बोल रहा है, कुछ मुर्गी बोतल नहीं है, ये मुर्गी बना ली, ये बोतल बना लिया, फिर कह रहा है सभी घर मुर्गी है, सभी घर है ना, जो सभी आ गया मतलब सभी घर, तो ये घर है ना ये ब्लैक कलर का, ये छोटा है और ये मुर्गियों के बीच में आ गया है ना, मुर्गी के बीच में आ गया, ये बन गया। अब दूसरा क्या बन सकता है कि भाई अब ये मुर्गी बना ली तुमने है ना, ये घर बना लिया इसके बीच में, तो ये जो ये है ना वो ये इसमें भी तो बन सकता है, ये भी ले सकता है। अब ये यूँ सोचोगे कि यार अब ये मेरे कैसे ध्यान में आएगा कि ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, फलाना भी बन सकता है। अब आपने ये फर्स्ट तो बना लिया ना, फर्स्ट बना लिया, अब जैसे देख मान के चलो निष्कर्ष पड़ा, कुछ बोतल घर है, ये पढ़ा ना कुछ बोतल घर है, कुछ ये बोतल है, कुछ बोतल घर है, तो अब तुम सोचो कि ये आ सकता है क्या बोतल ये घर में, हाँ आ सकता है, आ सकता है, हमने ये डिनोट कर लिया दूसरे उसमें, हमने ये बना लिया भाई आ सकता है, पर पहले में तो नहीं है भाई, इसमें कथन में तो नहीं बोल रखा, एक तो फर्स्ट बना तो उसमें भी नहीं है, अब सेकंड में निष्कर्ष के अनुसार हमने ये बनाया,
उसमें बोल रखा है कि हाँ यार बन सकता है, इसमें संभावना बन सकती है, ये आ गया। तो अब इसको हम गलत मान लेंगे क्योंकि फर्स्ट में, अब जब तक हम 100% सही नहीं हो सकते, जब तक हम उसे सही नहीं कह सकते, ठीक है, ये फर्स्ट में गलत हो गया, ये फर्स्ट में कहीं नहीं तो सेकंड में गलत हो गया। अब क्या कह रहा, सभी टी ये सेकंड पार्ट निष्कर्ष कह रहा, सभी घर बोतल नहीं है, यह एक संभावना है, ठीक है, सभी घर बोतल नहीं हो सकते। अब देखिए तीसरा डायग्राम, अब इसमें क्या बोल रहा, ये तुमने ये एम से मुर्गी का नोट किया, ये जी से घर बन गया इसमें, और ये बोतल बन गया। अब इसको पूरा को भी ले सकते हैं, इसको यहाँ निष्कर्ष में हमने आधे को भी लिया, अब ये पूरे को ले लिया। अब ये कि सभी घर बोतल नहीं है, ये एक संभावना है, मतलब सेकंड में हो रही है ना ये वाली चीज़, ये सेकंड में हो रही है ना, तीसरे वाले में पूरा ले लिया, तो वो फर्स्ट तो गलत हो गया, अब सेकंड एक सेकंड सही है, ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन। अब थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, उतना ही सोच कर आगे 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 कर आगे बढ़ते हैं, जब देखते हैं क्या होता है ना, ये हो गया ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा सही, ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है, 71% लोगों ने सही किया हुआ है, और मैं अभी बताता हूँ देखो कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या करना है, देख जरा कुछ कैंची, इसका देख मैं डायग्राम बनाता हूँ कितना कैसे कैसे डायग्राम बन सकते हैं, मतलब डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हो गया। कुछ कैंची ये क्या कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है, कुछ कैंची का ये बना लिया, अब देखना ब्लैक कलर से मैंने कैंची बनाई है, ठीक है, कुछ कैंची कागज है, कागज को मैंने येलो कलर से बना दिया, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ याद रखना, ठीक है। अब ये क्या बना रहा हूँ, जरा कुछ कांच कैंची नहीं है, अब कुछ कांच है ना, ये कांच है, अब इसका कांच का देख, ये तो यहाँ से पे आ सकता है, ये कांच पहले स्टेप में, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में देख, कुछ कांच यूं भी आ सकता है, कागज भी हो सकता है कुछ कांच, ठीक है, कुछ कांच कैंची नहीं है, कुछ कांच ये यहाँ पे आ गया, तो सेकंड ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, मैंने एक ही डायग्राम बना दिए तीन स्टेप, ये देख बाहर भी रहेगा, ये कागज में भी संभावना आ सकती है, और ये कागज और कैंची दोनों भी हो सकता है। अब जब ही तेरी ये कथन वेरीफाई करेंगे, तो कुछ कैंची कागज है तो कुछ ये तो कैंची होगी, ये कागज हो गया, तो ये दोनों मिला दिए कागज, कुछ कांच कैंची नहीं है, तो ये कांच ये बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, अब क्या कह रहा है ये देख, सुन हमने इसका समझ, सभी कैंची कांच है, अब ये जो कैंची है ना, ये कैंची ये ब्लैक कलर, ये ब्लैक ब्लैक कलर है, वो ब्लैक कलर कैंची का, तो क्या करा कि सभी कैंची कांच है, सभी कैंची कांच है ना, ये तो आधा ही है ना, ये कांच है, ये थर्ड स्टेप, ये तीसरी स्टेप है ना, ये इसमें तीसरी स्टेप में ही तो मिल रहा है ना, ये जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप हुई, ये सेकंड स्टेप हुई, तो ये फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तो ये स्टेप गलत होगी, मतलब तीनों स्टेप में सही होगा, जब भी तो सही होगा। कुछ कांच कागज है, कुछ कांच है, अब ये कांच है, ये कागज जो है सेकंड स्टेप में सही हो रहा है, थर्ड स्टेप में सही हो रहा है, पर भाई फर्स्ट में सही नहीं हो रहा, फर्स्ट में तो दूर है कागज में, है ना, फर्स्ट में तो दूर है ना कागज, ये कह रहा है ना कुछ कांच कैंची नहीं है, फर्स्ट में तो दूर है, ये भी गलत हो गया, ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक। अब क्या हो गया देख सुन, अब इसमें एक रूप, अब इसका आंसर बता देता हूँ पहले मैं आपको, है ना, इसका आंसर क्या बैठे हो, इसका आंसर ये है चौथा, कि कोई भी अनुसरण नहीं करता, ठीक है। अब देख इसमें एक रूल्स है ना, एक रूल्स है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या रूल्स है, इसमें एक रूल है, इसमें एक रूल है, ये रूल है देख, कि अगर कथन में नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव कथन में क्या आ गया, ये आ गया नेगेटिव, कथन में क्या आ गया
नेगेटिव आ गया ना ये, तो जो निष्कर्ष है ना वो पॉजिटिव नहीं बने। पहली बात, अगर कथन में नेगेटिव आ गया, कोई भी एक एक कथन नेगेटिव आ गया, तो 90% चांस है, 90-95 या फिर तो डबल 99% लगा लो कि 99% है ना वो है कि नेगेटिव नहीं बन सकता। ठीक, नेगेटिव नहीं बन सकता ये। अब ये दोनों भाई नेगेटिव आ गया, अरे सॉरी मैं क्या बोल गया, सॉरी 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 मैं क्या बोल रहा था, अगर कथन में नेगेटिव आ गया ना तो यहाँ पे ये है ना ये पॉजिटिव नहीं बन सकते भाई। जब कथन नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बन सकते, वो कितने 99%, 1% चांस रहते हैं, जो तुम्हें वो वेन डायग्राम बनाओगे तो पता चल जाएगा, है ना। सबसे पहले ये क्या होता है कि भाई अब जब ये देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है 99%, तो इसका आंसर ये 4 हो गया। 99% क्या हो गया, ये 4 हो गया ये आंसर। पर अब एक बार वेन डायग्राम बना लो तो एक बार बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, देख तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, है ना। देख तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अब देख तीसरा क्वेश्चन में डायग्राम, मुझे थोड़ा लेट लेट हो रहा हूँ करने में, क्योंकि मुझे डायग्राम भी बनाना होता है, वो सिर्फ लैपटॉप से बुरा सारा काम तो टाइम लग रहा है। सुन ध्यान से, थोड़ा तेज करके देख लेना वीडियो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब कह रहा है कोई पुस्तक रत्न नहीं है, अब कोई पुस्तक रत्न नहीं है, ठीक है, कोई पुस्तक रत्न नहीं है, अब मैं बना देता हूँ, कोई पुस्तक, ये पुस्तक है, ये रत्न है, रत्नों को मैं आर से कर देता हूँ, अब मैं एक ही उसमें बनाऊंगा सब, ये पी से डोनोट कर देता हूँ। अब कह रहा कुछ कागज रत्न है, कुछ कागज, कुछ कागज रत्न है। अब देख ये जो कागज है ना, कुछ कागज रत्न है, इसको इसमें ले लो, कुछ कागज रत्न है, ये कागज इसमें ले लिया, कुछ कागज रत्न है ना। अब कुछ कागज रत्न है, ये तो ये स्टेप बन गई, ये जो कागज है ना एक इसमें से भी बन सकता है, इसमें से भी बन सकता है ना, ये इसमें से भी बन सकता है कागज, है ना। ठीक है, अब देख एक के बीच में कोई कागज पुस्तक नहीं है, कोई कागज, कोई कागज पुस्तक नहीं है। अब देख पहली बात तो मैं क्या कहूँ, इसमें देख एक तो नेगेटिव आ गया, एक तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक। तो पहली बात तो अगर पॉजिटिव आता यहाँ पे तो वो 99% नहीं गलत होता, और नेगेटिव आ गया ये तेरा कोई कागज पुस्तक नहीं है। अब ये कागज है येलो कलर वाला कागज है ना, तो कोई कागज पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो भाई सेकंड जो ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप थी तुम्हारी, है ना, सेकंड स्टेप में कागज पुस्तक में बन रहा है ना, तो भाई ये तो गलत हो गया, सही नहीं है। ठीक है, कुछ रत्न पुस्तक नहीं है, कुछ ये कह रहा, कुछ रत्न पुस्तक नहीं है, कुछ रत्न पुस्तक नहीं है। अब ये रत्न है, आर वाला रत्न है, ये पुस्तक नहीं है, कोई पुस्तक रत्न नहीं है, अभी कुछ पुस्तक रत्न नहीं है, कुछ, हाँ ये सही हो सकता है ये वाला, कि भाई कुछ पुस्तक रत्न नहीं है, कुछ पुस्तक सही, ये तो गलत ही हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला इसका आंसर कितना देखने दें, इसका आंसर देखो सेकंड ये भाई कुछ कह रहा ना, अब देख कथन में बोल रहा कोई पुस्तक रत्न नहीं है, अब ये रत्न है ना पुस्तक में नहीं आ सकता, क्योंकि उसने स्पष्ट बोल दिया कोई रत्न पुस्तक, कोई पुस्तक रत्न नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देख इसमें ये कह रहा है कुछ रत्न पुस्तक नहीं है, अब कुछ क्या बिल्कुल ही नहीं है ना, यही कहाँ ये रत्न ही नहीं है बिल्कुल ही, तो इसमें सेकंड आ गया। अब ये थोड़े दिमाग दिमाग से सोचना है कितने कैसे डायग्राम बने, कैसा डायग्राम बनेगा, कैसा डायग्राम नहीं बनेगा, है ना। तीसरा, अब ये चौथा देख, चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। चौथे क्वेश्चन में देख, सभी चूहे मक्के हैं,
कभी छू मत। लिखना सभी ये चूहे, ठीक है, सभी चूहे मक्के, ये चूहे, ये सभी मक्के में, मक्के 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 को मैं छोटा बना लेता हूँ, ये मक्का हो गया, नहीं ये चूहा हो गया, बोला ना चूहा, ये चूहा हो गया और ये मक्का हो गया। अगर कुछ उड़ान चूहे नहीं, कुछ उड़ान चूहे नहीं है, अब कुछ उड़ान, देख उड़ान, उड़ान को ब्लैक कलर से लेते हैं, उड़ान ये उड़ान है, कुछ उड़ान चूहे नहीं है, अब ये हो गया, ये यू भी बन सकता है, ये ब्लैक कलर है ना, अब ये यू भी आ सकता है, देख ये यू भी आ सकता है, यू कर, अब कुछ उड़ान चूहे नहीं है, ये यू भी तो आ सकता है ना, ठीक है। ये पहली स्टेप होगी, ये दूसरी स्टेप होगी, दूसरी स्टेप होगी, अब देख निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ उड़ान चूहे हैं, कुछ उड़ान चूहे हैं, कुछ उड़ान चूहे हैं, ये उड़ान होगी ना, कुछ उड़ान चूहे हैं, देख सही है, पर अब ध्यान से सुनो ना, इसमें तो ये नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव आ गया, कुछ उड़ान चूहे हैं है ना, तो कुछ उड़ान चूहे सेकंड में तो है पर ये फर्स्ट में नहीं है। एक तो अपन ने देखते देखते ही, पहली बात तो मैं बस थोड़ा इसलिए 99 बोल रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, कुछ संभावना दे दी तो गलत हो जाएगा, नहीं तो ये डायरेक्ट ही गलत है। अगर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव दे दिया ना निष्कर्ष में, तो वो गलत है, तुम उसे गलत लेके चल रहा हूँ ना, देखने की भी जरूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा आराम से। तो ये कह रहा कोई उड़ान मक्का नहीं है, अब कोई उड़ान मक्का नहीं है, तो कोई उड़ान मक्का नहीं है, अब इसका देख कोई उड़ान मक्का नहीं है, ये हो सकता है कि कोई उड़ान मक्का नहीं है, इसका तीसरा डायग्राम बन सकता है। मैं भी देखो ऐसा तो है नहीं कि मुझसे भी गलती नहीं हो सकती, पर देखो सोचो इसमें कोई उड़ान मक्का नहीं है, हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मक्का बड़ी है, चूहे छोटे, उसने बोला हुआ है सेकंड कथन में, देखो सेकंड कथन है ना, ये सेकंड कथन में बोला है कुछ उड़ान चूहे नहीं है, कुछ उड़ान चूहे नहीं है, तो कुछ उड़ान चूहे नहीं है तो मतलब मक्का तो है ना, ये मक्का तो है, अब ये कह रहा है कुछ उड़ान, कोई उड़ान, कोई उड़ान मक्का नहीं, अरे ऐसे कैसे नहीं है, ये भी गलत हो गया तुम्हारा, इसका देखते हैं इसका क्या हो गया, तीसरा आंसर हो गया ना इसका, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका, देख इसका कोई भी अनुसार नहीं कर रहा, देख ले कोई भी अनुसार नहीं कर रहा, सही है मेरा बिल्कुल। अब इनको मैं, अब वीडियो बड़ी हो जाएगी, इनको पीछे करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा आराम से, मैं बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हलवा नहीं है कि बस बना के रख दिया, पानी करके रख दिया उसमें और खा लिया, दिमाग लगाओ, जो बोल रहा हूँ उसे सुनो ध्यान से, अपने हाथों से जो मैं बोल रहा हूँ उसे डायग्राम को बनाओ, पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, वीडियो डल रही है 39 मिनट की वीडियो, अच्छे से देखो, अच्छे से समझाया हुआ है सर ने, फिर ये क्वेश्चनों को करो, ये क्वेश्चनों को करोगे एक दो बार करोगे अपने आप ध्यान में आ जाएगा कैसे कैसे डायग्राम बनाने, वीडियो चलने दो डायग्राम बनाते रहो, जैसे जैसे बोल रहा हूँ मैं, एक ही डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए पेन चाहिए, टैब चाहिए, वो नहीं है मेरे पास, मैं लैपटॉप से माउस से कर रहा हूँ तो माउस से टाइम लगता है, मैं भी ये पहली बार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सही कर दूंगा, पर कुछ लॉजिक है जो सही जा रहे हैं, सही सोचना रूल्स तो वही है ना, देखो ठीक है मैं पांचवा क्वेश्चन बता दूं, है ना, ये देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, है ना, यूं मानो कि कुछ नहीं आता ना, बस नॉर्मल तुम्हें वेन डायग्राम बनाना है, मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ जल्दी जल्दी, ये कोई बस स्कूल नहीं है, ये कोई बस स्कूल नहीं है, ये बस ले ली है ना, ये बस ले ली, कोई बस स्कूल नहीं है, ये फूल ले ली, ये फूल ले लिया, ठीक है ये फूल ले लिया ऐसे, ये बस ले ली, बस ले ली, अब मैं बिस्कुट, अब ये कह रहा कोई फूल बिस्कुट नहीं है, अब क्या कह रहा कोई फूल बिस्कुट नहीं है,
कोई फूल बिस्कुट नहीं है, बिस्कुट भाई ये तो यूं बन जाएगा यहाँ पे, है ना। एक इसमें भी भाई, इसमें भी जैसे मान के चलो उसमें निष्कर्ष में दे दिया ये यूं भी बन जाएगा, उसने ये दे दिया कि कुछ फूल बिस्कुट नहीं है, मतलब बिस्कुट में नहीं आ सकता, कुछ फूल बिस्कुट नहीं है, मतलब कुछ फूल सॉरी मैं सोच रहा था कोई फूल नहीं, मतलब कुछ दे दिया ना, तो ये यूं भी आ सकता है। भाई कुछ फूल, भाई कुछ फूल है बिस्कुट नहीं है, ये बिस्कुट है ठीक है, ये नहीं है भाई, आधे रह गए ना आधे, ये इतना इतना ही है, इतना 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 बिस्कुट है कोई फूल ठीक है, अब इतना इतना है तो अब देखो कैसे होगा, अब देखो कैसे होगा, अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं, अब निष्कर्ष क्या पढ़ते हैं, सभी फूल बिस्कुट है, सभी फूल कौन सा है, एक सभी फूल है। अब देख, अब मैंने क्या बोला, ये नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत होगा 101% गलत होगा, पर तू देख ले एक बार वेन डायग्राम से देख ले, सभी फूल बिस्कुट है, ये सभी फूल ये बिस्कुट है, ये सभी हो सकते हैं ये बिस्कुट, उसने मना ही कर दिया, यहीं पे मना कर दिया, तो ये तो वैसे गलत हो गया। फिर कह रहा कुछ बस का बिस्कुट होने की संभावना है, कुछ बस है ये बिस्कुट होने की संभावना है, हाँ संभावना है, सकती है, कन्फर्म तो बिल्कुल नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है ना, ये फर्स्ट डायग्राम में भी नहीं है, और ये तीसरे में, ये तीसरे में है, तो ये जो ये ना संभावना, ये संभावना हो सकती है, तो इसका इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, ओनली सेकंड, देखो देखो आ गया ना सेकंड, तो इसमें कुछ दिमाग लगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगा, कुछ भी नहीं लगा, बस इसमें इसमें क्या है, इसमें बस ये जो वेन डायग्राम बन रहा है ना, ओनली यही है, ओनली यही है और कुछ नहीं है, थोड़ा मैं हर क्वेश्चन, अब 15 क्वेश्चन है, 15 ही 15 करा रहा हूँ, सर ने भी कराए 4-5 क्वेश्चन, फिर और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, और फिर पहल के भी टेस्टों में भी हैं, उनको भी देखना थोड़ा बहुत, तो फिर तुम भी लगाओगे ना, मोबाइल है तुम्हारे पास, उसमें नेट है तो यूट्यूब पे थोड़ा सर्च मारो कि वेन डायग्राम, पर कंफ्यूजन हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, अगर तुम्हें भाई वेन डायग्राम को कोई बुक्स के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लगा लो, नहीं आ रहा तो नहीं, जो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो एक ही जगह से पढ़ना है ना, क्वेश्चन लगाते रहो अपने कॉन्सेप्ट से करते रहो, उसमें बोलेंगे तो तुम सोचोगे यार इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या आंसर है, तो ऐसे नहीं देखना ठीक है। फिर देखो छठा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, छठा तुमने सही किया, अगर छठा में, छठे में मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, जल्दी जल्दी कैसे, सभी चित्रकार प्रिंटर है, ये चित्रकार हो गया, सॉरी क्या बना दिया मैंने, ये गधा हो गया, सभी चित्रकार हैं ये प्रिंटर है, सभी चित्रकार है ये प्रिंटर है, सभी चित्रकार प्रिंटर है, ये पूरा लिख लिया, कोई फुल प्रिंटर नहीं है, अब कोई फुल प्रिंटर नहीं है, ये सभी चित्रकार ये सी से कर दो दोनों, ये पीछे कर दो, ओके ये क्या कह रहा कि कोई फुल प्रिंटर नहीं है, अगर देख ये पी ले लिया तुमने, डबल पी ले लिया फुल का है ना, अब ये क्या कह रहा प्रिंटर नहीं है, अगर सी को लेगी, जैसे सी को लेगा लेगी जो भी जो भी देख रहा, इनको मान के चलो सी को, जैसे सी को लिया है ना, जैसे सी को ले लिया तुमने डबल पी से, तो भाई ये प्रिंटर आ गया ना यहाँ, तो इसने मना कर दिया ना, कोई कोई भी नहीं है, एक छोटा बोलता सम कोई भी नहीं है ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देख निष्कर्ष, डायरेक्ट निष्कर्ष कहते हैं कोई, अब एक दोनों निष्कर्ष नहीं में दे रहे हैं, मतलब ये दोनों हो सकते हैं, मतलब अगर अगर नहीं होता एक तो गलत हो जाता, कोई चित्रकार पुल है, जो ये चित्रकार है वो पुल है नहीं है, सही है ये बिल्कुल, कुछ कुछ चित्रकार पुल नहीं है, कुछ चित्रकार पुल नहीं है, कुछ चित्रकार का कुछ का क्या, कोई भी नहीं है ना, ये भी सही दोनों आंसर है, ये तुमने लगाया हुआ भगवान की दया से, पता नहीं है कैसे दिमाग चल गया ये सही हो गया तुम्हारा, और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता चल रहा कि ये मेरा सही है कंफर्म, क्यों तुमने सारे -2 नंबर है इस टेस्ट में, -2 नंबर है, हद होगी, अब कभी तो तुम फर्स्ट रैंक पे आ रहे हो, कभी तुम नीचे से फर्स्ट रैंक पे आ रहे हो,
तो ये तुम में कमी है, ये तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे ढंग से। साथ में क्वेश्चन देखो, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ पहले। अब देखो जल्दी जल्दी फटाफट कर देते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। कुछ कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, ये कुछ मोबाइल है कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है? कंप्यूटर हो गया, और सभी ईंधन कंप्यूटर है, सभी ईंधन ईंधन को किसे ले लेता हूँ, ईंधन को ले लेता हूँ मैं कंप्यूटर, सभी ईंधन जो सभी आगे लगे ना, मैं सभी, तो ये सभी ईंधन कंप्यूटर है। अब ये एक डायग्राम ऐसे बन गया। अब ये जो ईंधन है ना, ये मोबाइल भी हो सकता है ना, सभी ईंधन कंप्यूटर है, ये ऐसे भी बन सकता है। देखो कंप्यूटर तो इसको पूरा, अब ऐसा नहीं कि तुम कैसे भी डायग्राम बना दो, ये जो ये कथन है ना, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना? थोड़ा बहुत देखो, मान के चलो अभी इसमें कथन ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सेकंड में। अब डायरेक्ट यहाँ पे आओ, कहाँ पे आओ, कुछ कुछ ईंधन मोबाइल है, कुछ, अब ये ब्लैक कलर का ईंधन है, कुछ ईंधन मोबाइल है, हाँ है, सही है, कुछ कंप्यूटर ईंधन है, या फिर कंप्यूटर है ना, कुछ कंप्यूटर ईंधन है क्या, हाँ है, ये भी सही है। अब इसका क्या आंसर है, देखो इसका आंसर दोनों अनुसरण करते हैं, सॉरी 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 सॉरी, कुछ ईंधन मोबाइल है, कुछ कुछ ईंधन, कुछ ईंधन, ओ हाँ मैं भूल गया ना, अब मैं एक ही डायग्राम में बना रहा हूँ ना, तो देखो मैंने कहाँ गलती करी है तुम्हें पता चल रहा है, मैंने कहाँ गलती करी है भाई, ये बोल रहा है ना कुछ ईंधन, भाई ये जो ईंधन है ना ब्लैक कलर का, भाई जो जो ब्लैक ब्लैक कलर का है ना, ये जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर है ना, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये सेकंड स्टेप है, ये है ना सेकंड डायग्राम है। पहले डायग्राम तो ये था जिसमें जिसमें मोबाइल आ ही नहीं रहे थे, जब तक दोनों में नहीं आ जाते तब तक हम उसको सही नहीं कर सकते। तो बेटा जी ये गलत हो गया आपका, और मेरा भी तुमने गलत करवा दिया, मुझे -5 अंक मिल गए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी तो इज्जत चली गई। तो ये देखो कि इसमें क्या होता है, कि ये सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, गलत हो गया यार, मैं सोचा था कर दूंगा सारे सही, चल ठीक है कोई ना, पर मुझे, मैं एक ही डायग्राम में बना रहा हूँ ना, उस वजह से हो गया, थोड़ा सा मेरे को वो मिलेगा इसमें, ठीक है? तो ये याद रखो कि दोनों उसमें होंगे ना तो ही सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया तो समझना चाहिए आप, ये नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ तो सामने वाला गलत कर रहा है, कॉन्सेप्ट से मतलब है, आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? आठवां क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी। अब आठवां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, आठवां क्वेश्चन, अब इसमें देखो तीन निष्कर्ष दे दिए, है ना, तीन निष्कर्ष दे दिए, अब इसको इसको डायरेक्ट बना दो तुम, है ना, कोई फ्लास्क चाबी नहीं है, ये फ्लास्क है, ये चाबी नहीं है, ठीक है? अगर कुछ बोतल फ्लास्क नहीं है, कुछ बोतल बोतल कुछ बोतल ये कुछ बोतल है, ये फ्लास्क नहीं है, ये फ्लास्क, ये फ्लास्क, ये चाबी चाबी, अगर कुछ बोतल फ्लास्क नहीं है, कुछ बोतल फ्लास्क नहीं है, फ्लास्क नहीं, फ्लास्क तो वो होता है ना केमिस्ट्री, फ्लास्क फ्लास्क और फ्लास्क अलग अलग हैं क्या, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ फ्लास्क, पता नहीं क्या था, ये ध्यान दो, कुछ बोतल फ्लास्क नहीं है, कुछ बोतल फ्लास्क नहीं है भाई, ये भी दूसरा भाई, ये डायग्राम बन गया, कुछ बोतल फ्लास्क नहीं है भाई, बोतल है, अब देख मैं डिनोट कर देता हूँ ये भाई, कुछ बोतल फ्लास्क नहीं है, कुछ बोतल तो मतलब आधा तो है, ये तो है, ये तो ये डायग्राम बन जाएगा, ये फर्स्ट है ना, देख सेकंड में क्या बनेगा, सेकंड में ये बन जाएगा भाई, कुछ बोतल नहीं है, ये सेटिस्फाई कर दिया हमने, कुछ ये तुमने सी लिया। अब देखो डायरेक्ट निष्कर्ष पे आते हैं,
निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ फ्लास्क की चाबी है, कुछ फ्लास्क की चाबी है, ये तो बिल्कुल गलत है। अब देखो, मेरा जो कुछ मैंने बोला था ना, ये नहीं आ गया, नहीं आ गया ना, मजे आ गए। देखो ये क्वेश्चन हो गया गलत डायरेक्ट पहला। अब कोई बोतल, ठीक है, कोई बोतल चाबी नहीं है, अब कोई बोतल चाबी नहीं है, कोई बोतल, अब ये जो ये बोतल है कोई चाबी नहीं है, कोई बोतल चाबी नहीं है। अब भाई फर्स्ट में तो सही ये हो रहा है अप्लाई, सेकंड में ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब देख, अभी इसको यहाँ पे ये मार्क कर लिया कि ये सही नहीं हो रहा, ठीक है। अभी एकदम से आंसर नहीं लगाना, आंसर में जैसे ये आइदर वाला को ये होता है ना, देखो अब ध्यान से सुनो, मैं समझाता हूँ आइदर और क्या क्या होता है। वैसे तो वीडियो में समझा दिया होगा सर, कुछ बोतल चाबी है, कुछ बोतल चाबी है, अब ये बोतल है, ये कुछ बोतल चाबी है, हाँ ये इसमें सही हो रहा है सेकंड में, और ये फर्स्ट में सही नहीं हो रहा। मतलब ये एक में सही हो रहा है, ये भी एक में सही हो रहा है, ये तो गलत ही हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें देख, अब इसमें इसमें यूं आता कि सेकंड और थर्ड सही है, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल तो सही ही नहीं है ना। अब इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन में कि भाई फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, इसमें भी फर्स्ट बिल्कुल गलत है, कोई अनुसरण नहीं करता, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि भाई अनुसरण तो कर रहे हैं। अब ये आंसर होगा या तो सेकंड सही है क्योंकि सेकंड सही है, या थर्ड सही है, ये आंसर लगाएंगे हम। अब ये आइदर वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब सेकंड वाला एक स्टेप में आ रहा है, थर्ड वाला जो थर्ड थर्डनेस करते ना वो भी एक स्टेप में आ रहा है, तो मतलब दोनों में से एक सही हो जाएगा कोई ना कोई। अपन तो संभावना ही तो बता रहे हैं, ये जो कथन दे रखे हैं ये निष्कर्ष दे रखे हैं, ठीक है। चलो जी इसको लिख लेना है इनको कॉपियों में, और इनको जो मैं बोल रहा हूँ वो बना के देखना, हर स्टेप तुमको बना के देखनी है, दो दो तीन तीन स्टेप बन रही हैं, किसी में दो स्टेप बन रही हैं, उनको बना के देखो और अच्छे से समझ के, क्योंकि जब भी रिविजन करोगे, अब ये तो है नहीं कि बार बार क्वेश्चन लगाओ, या बार बार क्वेश्चन लगा लो जो करने की जरूरत ना पड़े, कॉन्सेप्ट हो जाए, या फिर तुमको वहाँ पे लिख लो। तो जब रिविजन करो, जब जैसे टेस्ट दो, जैसे सैटरडे संडे को तुम टेस्ट दे दो, तो वहाँ पे तुम देख लो कि भाई ये चार पांच क्वेश्चन है, आठ दस क्वेश्चन है, इनको देखा तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा बस। और ये पहले भी करवा चले, बार बार थोड़ी ना कोई करवाएगा या फिर बार बार नहीं बताएगा, गलत होगा आदमी समझा देगा उसे, वहीं पे तुम समझ लो उसे, है ना। चलो अब ये नौवा क्वेश्चन देखो, नौवा क्वेश्चन तो आपने छोड़ ही रखा है, नौवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, नौवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नौवा देखो। अब इस नौवा क्वेश्चन में भी देखो तीन है, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए यार कि देखो कुछ फोन कंप्रेसर है, कुछ फोन ये फोन है, अरे यार कुछ फोन कंप्रेसर है, ये फोन हो गया, अब ये कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर ये कंप्रेसर हो गया, ये कंप्रेसर हो गया, सी से डिनोट कर दिया। कुछ कंप्रेसर प्रिंटर नहीं है, अब क्या कर, कुछ कंप्रेसर है ना प्रिंटर नहीं है। अब देखो पहले स्टेप में क्या बन जाएगी, ये तो ये बन गया, बोल दिया ना कुछ, भाई कुछ तो है भाई, कुछ बोल दिया, कुछ तो प्रिंटर है ना, कुछ नहीं है कुछ है, ठीक है। अब ये जैसे ये है, अब ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो जो मैं सेकंड स्टेप बताता हूँ ना, तो फर्स्ट स्टेप पे ये भूल जाए करो, ये दो तो है, सेकंड स्टेप में ये यूँ भी डाल सकता है, यहाँ से यूँ भी डाल सकता है, आ सकता है भाई, ये बोल रहा कुछ ये हो गया, अब कुछ नहीं है तो ये छोड़ दिया हमने, जो ये वाला छोड़ा ना ये छोड़ दिया। अब ये इसका पर ये इसका ध्यान रखना, ये फोन में भी आ गया ये वाला। अब देख मैं समझाता हूँ क्या होगा, है ना, ये सभी कंप्रेसर फोन है, सभी कंप्रेसर हैं वो फोन, सभी कंप्रेसर फोन है, अब देख इसमें नहीं आ गया भाई, ये तो अब ये क्या, ये फर्स्ट तो बिल्कुल गलत हो गया है ना, ये क्या कह रहा, ये तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत हो गया है ना। अब ये भी पॉजिटिव है तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब एक में तो ये सही हो रहा है ना, एक में सही हो रहा है, कुछ फोन प्रिंटर है, कुछ फोन है ना, ये कुछ फोन प्रिंटर है, ये हाँ ये सही है। पर जो ये फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप तो ये भी तो फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है ना, दो बार बनेंगे ये अलग अलग, तो फर्स्ट स्टेप में तो ये गलत हो रहा है ये वाला, ये क्या कह रहा, कोई फोन प्रिंटर नहीं है, कोई ये फोन है ना, ये फोन
कोई प्रिंटर नहीं है, ये ब्लैक कलर का प्रिंटर नहीं है, ये फर्स्ट में तो हो रहा है पर ये सेकंड में नहीं हो रहा। मतलब एक में ये सही है एक में ये सही है, पर अगर क्वेश्चन में देता ना या तो सेकंड सही है या थर्ड सही है, तब तो हम उस ऑप्शन को लगा देते। पर जब जब उस पेपर में, अब देख पेपर में क्या बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है देख इसमें, अब देख फर्स्ट वाले तो बिल्कुल मैंने फर्स्ट वाले में बिल्कुल गलत हो जाएंगे। देख कैसे फर्स्ट वाले थे, ये जिसमें फर्स्ट आ रहा है वो तो बिल्कुल गलत हो गया, बचा कौन सा, ये बचा। अब इसमें देख ये बोल रहा है कि ये वो सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है, इसने तो बिल्कुल सही कर दिया, बिल्कुल सही थोड़ी ना है वो भाई, एक में एक स्टेप में सही हो रहा है एक में दूसरे स्टेप में सही हो रहा है, तो ये होगा इसका आंसर, कोई भी अनुसरण नहीं करता, सही आंसर होगा कोई। यार ये और जो तुम्हारे दो भी सही हुए ना, ये भी तुम्हारे तुक्के में सही हुए, तुम्हें पता तो चल नहीं ना कि ये कैसे है, तो तुमने लगा दिया कि हाँ समझ में भी नहीं आ रहा और सोल्व भी नहीं हो रहा, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, वो लगा दिया आपने, चूल्हा लो। ये देखो तुम 10 मिनट, 10 10 में क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करते हैं यार, बहुत टाइम हो गया, 15 क्वेश्चन मैं भी तगड़ा टीचर हो रहा हूँ पढ़ाने वाला, तो है ना। देखो ये कुछ पेन मार कर है यार, जल्दी जल्दी कर देते हैं, देख बना लेना डायग्राम, कुछ पेन मार कर है ना, कुछ पेन मार कर है, ये नेगेटिव आ गया है ना, ये देख नेगेटिव आ गया, ये गलत हो गया डायग्राम, मैं नहीं देख रहा इसे, तुम अब वेन डायग्राम तुम खुद ही बनाना, मैं नहीं बनाना है ना, सभी मार्करों पेन की संभावना, जहाँ पे संभावना होगी वो सत्य सत्य हो सकता है, इसमें है क्या कुछ, कहीं मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस मार रहा हूँ, देखना सेकंड ईयर चौथे में, तो यही आंसर होगा इसका 101%। देखो यही चौथे में बात खत्म, भाई संभावना कर रहा है ना कोई, तो हाँ तो सही हो जाएगा, संभावना में तो साला कुछ भी सही, संभावना तो यूँ मान लो कि हम कलेक्टर बन गए, संभावना यूँ मान लो कि हम तो और कुछ हो गए या फिर हमने ये कर दिया, वो संभावना तो कुछ भी हो सकती है, पर जल्दी जल्दी में ये सेकंड फटाक से आ गया, बोलो चलो ठीक है 10वां, वेन डायग्राम बना लेना खुद, फिर तुम कलेक्टर बन जाओ, तो वेन डायग्राम नहीं बना, वेन डायग्राम बना के ये करना है, पर मैं जल्दी इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होगी, तुम फिर देख भी नहीं पाओगे, बोर भी हो जाओगे, फिर मैं भैया मैं पढ़ा भी तो सही ढंग से नहीं ना, मैं देख दिखाई भी नहीं दे रहा, मेरी बस साउंड है तो थोड़ा, तुम मुझे समझ रहे हो, बस मेरी संपर्क में बोल रहा हूँ या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, थोड़ा समझो ध्यान से है ना, और वेन डायग्राम बनाना और ये ऐसे ही करना है, पर टाइम नहीं है, जल्दी तुम्हें निकालना है, और तुम रिस्क ले रहे हो कि हाँ मैं मुझे तो तुम ले लो हो जाएगा बिल्कुल सही है ना। 11वां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, हाँ देख 11वां क्वेश्चन देख, कुछ कुछ रेल मेट्रो है, अब देख ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी जी है, इनमें कुछ नहीं करना है, देख कुछ ये हो गया है ना, कुछ रेल मेट्रो है, ये रेल होगी ये मेट्रो होगी, फिर कह रहा कुछ मेट्रो जा रही, अब ये जो ये मेट्रो है ना, ये बोल रहा है ना कुछ मेट्रो, अब एक जहाजियों आ जाएगा यहाँ पे है ना, ये जहाजियों आ गया, दूसरी स्टेप में क्या हो जाएगा, दूसरी स्टेप में यू भी कर सकता है कि यहाँ से बीच में से, मतलब ये रेल भी तो आ सकती है जहाज में, ये सेकंड स्टेप बन जाएगी, सेकंड स्टेप बन जाएगी, तो पर कुछ रेल मेट्रो है सही है ना, कुछ रेल मेट्रो है ये भी सही है, कुछ मेट्रो रेल नहीं है, अब पॉजिटिव दे रखा है और यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, ये बिल्कुल गलत हो गया, इसे देखने की जरूरत नहीं, आंसर क्या है, आंसर कौन करता है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है देखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो खत्म। 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है जल्दी जल्दी, कुछ शिक्षक समर्पित हैं, कुछ शिक्षक हैं ये समर्पित हैं, अब कुछ जो शिक्षक हैं कौन से समर्पित हैं, ये समर्पित हैं, ये वाला वेन डायग्राम बताया ना सर ने, परसेंटेज में वेन डायग्राम कैसे बना है ना, ये वाले लोग हैं ये समर्पित हैं, सभी समर्पित उत्तरदायी हैं, सभी समर्पित हैं ना, जो सभी ये उत्तरदायी है, कुछ सभी समर्पित उत्तरदायी है, मतलब सभी समर्पित, अब ये सभी समर्पित है ना, ये सर डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम देख यूं बनेगा, सभी समर्पित, अब ये जब यूं बनेगा ना तो भाई शिक्षार्थी का तो आई आई गया ना, शिक्षार्थी है ना, शिक्षार्थी तो ये आई गया इसमें, तो अभी वो क्वेश्चन कुछ उत्तरदायी शिक्षार्थी नहीं है, अब फिर वही वाली बात, नेगेटिव गलत, कुछ उत्तरदायी
ये कह रहा कुछ उत्तरदायी समर्पित नहीं है, पर एक बार पढ़ लो ज्यादा कॉन्फिडेंस में गलत हो जाते हैं। कुछ उत्तरदायी शिक्षार्थी नहीं है, अब देख कुछ उत्तरदायी शिक्षार्थी नहीं है, ये गलत हो गया, ये तो है। कह रहा कुछ उत्तरदायी समर्पित नहीं है, कुछ उत्तरदायी समर्पित नहीं है, नहीं तो ये नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, दोनों गलत है, तो इसमें आंसर दे कोई भी नहीं, हम ए भी अनुसार नहीं करते। देख लो आई एम राइट, आई एम हीरो, तो अब क्वेश्चन को तुम देखो, ठीक है। तो हम ये 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 13वां देखते हैं, 12वां कर दिया, 12वां समझाऊंगा एक क्वेश्चन को, है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, कोई संसद राष्ट्रपति नहीं है, साले यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है। अभी देखो कोई संसद राष्ट्रपति नहीं, कोई अरे लैपटॉप भी जरा सो जाओ, कोई संसद राष्ट्रपति नहीं है, ये कह रहा कोई संसद राष्ट्रपति नहीं है, अलग अलग बना दिए, ठीक है। सभी राष्ट्रपति अमेरिकन है, सभी राष्ट्रपति अमेरिकन है, सभी राष्ट्रपति अमेरिकन है, यही बनेगा इसमें। अगर जैसे ये राष्ट्रपति है ना, ये वाला ये राष्ट्रपति लिया है, अगर मैं इसको संसद में ले लूंगा ना, तो भाई संसद में, संसद हाँ चल संसद में ले सकता हूँ, ठीक है भाई। इसका जो सेकंड है ना वो ऐसे बन जाएगा, संसद में राष्ट्रपति ले लो, यूँ ले लो, ये भी बन जाएगा डायग्राम। ये नहीं आया जो ये राष्ट्रपति है ना, ये नहीं आया। अगर राष्ट्रपति इसके ऊपर होता तब राष्ट्रपति आता, पर अब नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन, सभी संसद अमेरिकन है, सभी संसद अमेरिकन है क्या, सभी संसद हो सकते हैं ना, पूरा ये पूरा आ सकता है, आ सकता है क्या, सभी संसद अमेरिकन है क्या, हाँ हो सकते हैं, ठीक है ये हो सकते हैं। फिर आगे पढ़ो, कुछ संसद मेरी क्योंकि हो सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड उसमें तो है, ये फर्स्ट में तो नहीं है, जो फर्स्ट फर्स्ट डायग्राम बनेगा ना उसमें नहीं है भाई, कुछ संसद अमेरिकन नहीं, अब इसमें नहीं आ रहा, तो पॉजिटिव तो ज़्यादा से ज़्यादा गलत होनी चाहिए, ठीक है। ये वगैरह पर एक में है, मतलब तीन स्टेप बनेंगे, तो तीसरे में है फर्स्ट, तो दूसरे में नहीं है, है ना। अब देख यहाँ पे या तो आ रहा है ना, या तो आ रहा है, तो अपन को संभावना भाई एक में है, तो वो भी लेके चलना पड़ेगा अपन को, है ना। ये कह रहा कुछ संसद अमेरिकी नहीं है, कुछ संसद अमेरिकी नहीं है, सही है, ये भी सही है, पर फर्स्ट में गलत है ये वाला भी, तो ये इसलिए आंसर इसका सही है, इसका क्या हो जाएगा सी, सही है भैया। चलो छोड़ मत, देखो इतना टाइम नहीं है, दिमाग नहीं लगाना बाद में, देखो अभी इसको इसको अभी फटाफट कर देते हैं। कुछ शर्ट मुझे ये देखो, कुछ शर्ट ये हो, कुछ शर्ट होगी है ना, ये शर्ट होगी एस, कुछ शर्ट मुझे है, मोजे 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 किसे करोगे तुम, मोजे मोजे ये मोजे हो गए जी, मोजे हो गए, मोजा ही मोजा है ना, ठीक है यार। कोई मोजा लाल नहीं है, मोजा मोजा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोजा देख कोई ये कह रहा, कोई लाल नहीं है, कोई मोजा लाल नहीं है, लाल नहीं है, लाल नहीं है, लाल नहीं है, ले ले ये ले, लाल नहीं है, एक स्टेप ये बन जाएगी, ये शर्ट में भी आ सकता है, ये मोजे में नहीं आएगा, शर्ट में आ सकता है, कुछ शर्ट में, ठीक है। अब बोल, अब कुछ मोजे शर्ट है, हाँ सही है ना, अब ये नेगेटिव आ गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ मोजे शर्ट हैं, कुछ मोजे शर्ट हैं, पर उसमें दे रखा है कुछ शर्ट मोजे हैं, तो कुछ मोजे शर्ट हैं, सही है, ये सही है, देख ये सही है, हाँ सही है ना ये, देखो भाई क्या बोल रहा, कुछ मोजे शर्ट हैं, हाँ है ना, ये तो सही हो गया कि भाई कुछ मोजे शर्ट हैं, इसमें इसमें दे रखा है ना, ये दे रहा, कुछ शर्ट मोजे हैं, तो कुछ ये उल्टा करके दे रखा है, तो ये तो एक तो सही हो गया। कोई शर्ट लाल नहीं है, अब भाई एक स्टेप में है, एक स्टेप में नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा जी, बी येलो येलो बी हो जाएगा, बी। अंदरों कुछ नहीं करते हैं, डेट्स फाइनल, तो जयराम जी की, तुम अपने अगर हम अपने अगर, देखो सुनो, सभी बॉक्स दरवाजे हैं,
सभी ये बॉक्स हैं, ये सभी बॉक्स हैं ना, दरवाजे हैं, दरवाजे हैं भैया, दरवाजे, ये दरवाजे, ठीक है। कुछ दरवाजे किताब हैं, अब कुछ दरवाजे किताब हैं, कुछ दरवाजे किताब है ना, कुछ दरवाजे, अब कुछ दरवाजे ये यूं भी बन जाएगी, एक स्टेप ये बन गई तेरी, मतलब स्टेप का मतलब ये है कि एक डायग्राम ये बन गया। देख इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब ये कुछ ये बोल रहा ना कुछ, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, जो बुक्स है वो भी तो किताबें हो सकती हैं, सकती है ना भैया। कुछ दरवाजे बन गया ना भैया, चलो डायरेक्ट ही, ये क्या कह रहा है, कुछ किताबें बॉक्स हैं भैया, कुछ किताबें बॉक्स हैं, हाँ है ना, ये सेकंड स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है ना, फर्स्ट स्टेज में नहीं है, तो इसको देखते हैं आगे क्या कहता है। कुछ दरवाजे बॉक्स हैं, कुछ दरवाजे, कह रहा ये जो दरवाजे हैं ना, ये बन रहा है, ये क्या कौन सा कलर है, ये मुझे तो पता नहीं है, ये जो कलर बन रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कह रहा है कि कुछ दरवाजे बुक्स हैं, तो कुछ दरवाजे क्या, नहीं क्या, कुछ दरवाजे बुक्स हैं, तो कुछ क्या, ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ये सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। देखो देखो जी देखो, ये लो ना, ये फर्स्ट में भी ये बन रहा, सेकंड में भी ये बन रहा जी, हो जाएगा ना। अब देख लो तुम, ये तो मजाक वाली बात होगी, पर ये ऐसे करना है, और मैंने इनमें कोई भी दिमाग नहीं लगाया, मजे मजे में करें सारे क्वेश्चन, और बस वेन डायग्राम बनाना, जितने वेन डायग्राम बन सकते हैं अपने मन से, अपने मन से सॉरी, अपने मन से नहीं, जो कथन में दे रखे हैं ना उनके मन से, तो हो जाएगा सही, नहीं तो जय जय राम, राधे राधे, नेगेटिव लेके घर आ जा रहा, रोटी पानी बनाना, ठीक है जी, चलो जी, नमस्कार जी, धन्यवाद जी।